आप तो जानते हो ना, पार्वती मेरी परी है, और केवल सूरत से नहीं, उसके हाथों की छुअन से। सब बातें मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में पार्वती के लिए कुछ कुछ अलग सा एहसास होने लगा है। जब आप किसी को देखते हो, आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। परिणीति सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई इस बार राजीव जो है खुद अपने हाथों से हमारी नीति मैडम को मेंटल हॉस्पिटल छोड़कर आने वाला है। जी हाँ, फिलहाल एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से नीति अपने प्लान में फ्लॉप हो जाती है, वो साबित नहीं कर पाती कि भाई पार्वती ही परी है। जी हाँ, एपिसोड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई राजीव एक साइकेट्रिस्ट, वो नर्वसनेस, वो एक्साइटमेंट, वो सारी मिक्स्ड फीलिंग्स, वो दिल का धड़कना, मैं आपको कैसे समझ गई। तुझे प्यार हो गया पुत्र। प्यार? हाँ, और जिससे प्यार हुआ है ना, वो कोई और नहीं, हमारी परी ही है। हायर करता है, और आपको बता दो कि भाई ये साइकेट्रिस्ट किसी और ने नहीं बल्कि हमारी पार्वती मैडम ने भेजी है। और इसी के साथ एपिसोड में हम देखते हैं कि भाई पार्वती उस साइकेट्रिस्ट को कॉल कर बात करती है और उसे सारा प्रोसेस समझाती है कि उन्हें क्या क्या करना है और क्या क्या सच्चाई उन्हें नीति से उगलवानी है। पुत्र, जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, तभी मैं जान गई थी कि उसका मेरा दिल का रिश्ता है। पहली बारी में ही वो दिल में घर कर गई थी पुत्र। पार्वती कोई और नहीं, हमारी परी है। आपने उसे एक बार फिर हमारे पास भेज दिया है। तो यहाँ पर ठीक वैसा ही होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई ये डॉक्टर जो है हमारी नीति को पेंडुलम के हेल्प से उसे हिप्नोटाइज करेगी, और इसी के साथ इस बार नीति जो है सारी सच्चाई उगलने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर डॉक्टर जो है हमारी जिंदगी के अंधेरे को दूर करने के वास्ते पुत्र। सवाल करते हुए नजर आ रही है, और यहाँ पर नीति जब हिप्नोटाइज्ड हो जाती है तो यहाँ पर डॉक्टर जो है सवालों का सिलसिला शुरू करती है, और इसी के साथ वो नीति से परी की सारी बातें पूछती है, उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारे सवालों को करती है, और इसी के साथ जिस दिन परी की मौत हुई थी उस दिन के बारे में भी वो नीति से पूछती है। और यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि भाई नीति जो है इस बार सारी सच्चाई कह देगी और इस बार भाई नीति का भांडा फूट जाएगा, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर जैसे ही हमारी नीति सच्चाई बोलने वाली होती है कि भाई यहाँ पर दिलजीत मौके का फायदा उठाता है और यहाँ पर वो गमले को फोड़ देता है, जिसकी वजह से इस गमले के टूटने की आवाज की वजह से नीति को होश आ जाता है और यहाँ पर दोबारा से भाई हमारी परी जो है अपने प्लान में फ्लॉप हो जाती है। जी हाँ, यहाँ पर नीति को होश आ गया है और नीति जो है इस बार भी सच्चाई नहीं बताती, जिसकी वजह से दोबारा से नीति बच गई है।